आपको संहिता ये संधि विधायक सूत्र के बारे में बतला रहा था। परस सन्निकर्ष संहिता अर्थात वर्णानाम अतिशयते सन्निधि संहिता संयुक्त अर्थात वर्णों की अत्यधिक समीपता को संधि या संहिता कहा जाता है। अब अत्यधिक समीपता क्या होती है? अत्यधिक समीपता होती है कि दो वर्णों के बीच में आधी मात्रा से कम का व्यवधान संभव नहीं हो पाता। यही अत्यंत समीपता संहिता या संधि कहलाती है। समझ आ गया कि दो वर्णों के मध्य में आधी मात्रा से कम का व्यवधान संभव नहीं है, यही समीपता संहिता कहलाती है। अब अगला सूत्र है पद संज्ञा विधायक सूत्र। वो कौन सा होता है? वो होता है सुप्तिंगंतम पदम। सुप्तिंगंतम पदम हाँ, इसका मतलब होता है सुबंतम तिंगंतम च पद संज्ञम स्यात्। अर्थात सुबंत और तिंगंत की पद संज्ञा होती है। और ये सुबंत क्या होते हैं, तिंगंत क्या होते हैं, ये आपको बतलाते हैं। सुबंत का मतलब होता है 21 प्रत्यय। वो कौन कौन से? वो हैं सु, औ, जस, अम, औ, शस, टाभ्याम, भिस, गेभ्याम, भ्यस, घसीभ्याम, भ्यस, घस, औ, साम और घी औ सु। 21 प्रत्यय ये नामिक प्रकरण में काम आते हैं अपने। तो सुबंत सुपधन अंत सु से लेकर गी और सुप अंतिम प्रत्यय सुप। तो ये तो सु ले लिया और ये प ले लिया। तो ये सुप सुप है अंत में जिसके, मतलब ये 21 प्रत्ययों में से कोई प्रत्यय जिस वर्ण के अंत में है वह सुबंत कहलाता है, वह सुबंत होता है। इसी प्रकार तिंगंत, तिंगंत किसको कहते हैं? तिंगंत ये धातु रूप में काम आने वाली चीज है, मतलब ये 18 प्रत्यय होते हैं। कौन से? तिप्तस, जी, सिप्त, स्थ और मेपस, मस। इसी प्रकार ताम, झ, थास, आथाम, धम और इट, वही महिंग। तो ये ती से लेकर और गा, ये तिंग, ये 18 पत्ते हैं। तो इन 18 पत्तियों में से कोई कोई एक किसी के अंत में हो तो वह तिंगंत कहलाता है। तो सुबंत और तिंगंत पद कहलाते हैं। तो ये पद संज्ञा विधायक सूत्र सुतिंगंतम पदम। अब एक सूत्र बच रहा है आपके संज्ञा प्रकरण में, वह है सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र। ये भी लिख दो, सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र। वो सूत्र कौन सा है? वो है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि तालवादी स्थान माभ्यंतर प्रयत्नश्च इति एतद्वयम् यस्य येन तुल्यम् स सवर्ण संज्ञम स्यात्। अर्थात तालुवादी स्थान, स्थान कई होते हैं, कंठ, ओष्ठ, तालु, दंत वगैरह ये स्थान, और आभ्यंतर यत्न
जिस वर्ण का जिस वर्ण से तुल्य हो वे परस्पर सवर्ण सवर्ण कहलाते हैं। हमने आगे बात जैसे क वर्ग से लेकर ट वर्ग, क वर्ग से लेकर ट वर्ग पांचवें वर्ग, तो इनका ये सवर्ण है। ये आपको अगले व्याख्यान में बतलाएंगे।